नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा सुरेखा सीकरी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बैल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थिएटर, टीवी या फिर फिल्म, सुरेखा सीकरी ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। उनके करियर में उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई अवार्ड मिले। बालिका वधु में दादी सा हो या बधाई हो में उनका साहस का अवतार, हर किरदार को उन्होंने दमदार तरीके से निभाया। उनके बगैर आज उस किरदार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुरेखा सीकरी का जन्म 19 अप्रैल 1945 को हुआ। उनका परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। सुरेखा ने अपना बचपन अल्मोड़ा और नैनीताल में बिताया। उनके पिता भारतीय वायुसेना में थे और उनकी मां एक अध्यापिका थी। अभिनय में रुचि को देखते हुए 1971 में सुरेखा सीकरी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया। सुरेखा को 1989 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। जबरदस्त अभिनय की वजह से सुरेखा सीकरी को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तमस 1988, मम्मो 1995 और बधाई हो 2018 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बधाई हो से सुरेखा को काफी फेम मिला। फिल्म में आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता और गजराज राव की मुख्य भूमिका थी। सुरेखा सीकरी ने हेमंत रेगे से शादी की थी। उनका एक बेटा राहुल सीकरी है जो मुंबई में एक आर्टिस्ट के तौर पर काम करता है। अक्टूबर 2009 में हेमंत रेगे का निधन हो गया। कम लोगों को ही पता होगा कि सुरेखा सीकरी और नसरुद्दीन शाह रिश्तेदार रह चुके हैं। दरअसल सुरेखा की बहन मनारा सीकरी नसरुद्दीन शाह की पहली पत्नी थी। मनारा को परवीन मुराद के नाम से जाना जाता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मनारा और नसरुद्दीन की एक बेटी हिबा शाह हुई। हिबा भी एक अभिनेत्री है। सुरेखा सीकरी ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का से की थी। उनकी मुख्य फिल्मों में किस्सा कुर्सी का, तमस, सलीम लंगड़े पे मत रो, मम्मो, सरदारी बेगम, सरफरोश, जुबैदा, बधाई हो और घोस्ट स्टोरी प्रमुख है। सुरेखा ने बालिका वधू के अलावा सीरियल एक था राजा एक थी रानी की, सात फेरे, बनेगी अपनी बात और सीआईडी में भी काम किया। सुरेखा सीकरी साल 2018 में महाबलेश्वर में एक शूटिंग के दौरान उन्हें पहली बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ। इसके बाद उनकी सक्रियता काफी कम हो गई। उन्हें इसके चलते कई फिल्मों के ऑफर ठुकराने पड़े। 8 सितंबर 2020 को उन्हें एक बार फिर से ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई। बधाई हो के अलावा उनकी आखिरी फिल्मों में अमोल गुप्ते की स्निफ रही, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाने वाले बेबी की दादी की भूमिका अदा की। जोया अख्तर के नेटफ्लिक्स हॉरर घोस्ट सीरीज में बीमार और बिछावन पर लेटी मिसेज मलिक के किरदार में भी उन्होंने अपना शानदार अभिनय किया। इसमें उनकी देखभाल करने वाली भूमिका जानवी कपूर ने निभाई थी। उन्होंने शहरी जीवन से अलग थलग पुराने दिनों के भयावत को पर्दे पर साकार करने का काम जरूर किया, लेकिन वास्तविक जीवन में काफी खुशमिजाज
और सकारात्मक ऊर्जा से भरी रही। जाने मानी अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का 75 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुरेखा सिकरी की मृत्यु 16 जुलाई 2021 को हुई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बाराड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।